तो कैसे भाई सारे को, नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत ही अच्छा कम कंपटीशन है। एक तरफ है अपने पास i20 N लाइन और एक तरफ है बलिनो RS। हाँ जी भाई, RS है, ओरिजिनल RS है ये। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ RS की बैजिंग भी पीछे से, ये देख लो भाई RS की बैजिंग। ओरिजिनल RS है, 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन में है, 5 स्पीड जो कि निकालता है 100 BHP और 150 Nm का टॉर्क, 3 सिलेंडर इंजन है। और दूसरी तरफ है अपनी ये भी टर्बो चार्ज N लाइन, मैनुअल ट्रांसमिशन है, DCT वाली नहीं है ये, जो कि निकालते हैं 120 हॉर्स पावर और 172 Nm का टॉर्क। अब वेट की बात कर लें तो अपनी जो i20 है वो 100 किलो भारी है इससे, और इसमें BHP भी ज़्यादा है। तो देखते हैं भाई, करते हैं पहला राउंड। तो भाई एक फ्यूल की चीज़ बताना भूल गया था, इसमें XP95 डाला हुआ है और इसमें नॉर्मल 91 ऑक्टेन जो आता है फ्यूल पंप्स पे वो डाला हुआ है। तो इसका भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आधी टंकी अपनी है उनकी भी अप्रोक्स। भाई कितनी टंकी है तुम्हारी? आधी टंकी से ऊपर ही तो अप्रोक्स उतनी है। तो पहले राउंड भाई, AC ऑफ, ट्रैक्शन आता है? मेरा AC ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, ESC डिसेबल, दिखा दिए एक बार, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, 3 हॉर्न मेरे ठीक है। तीन लोग बैठे हैं मेरी गाड़ी में और 3 लोग उस गाड़ी में बैठे हैं। AC ऑफ है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। वैसे कोई दिक्कत रही? लॉन्च में सब सही था। एक और बार करके देखते हैं, उसके बाद अगर ये वाली जीत जाती है फिर तो इसमें AC ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा गैप बना लो। बिल्कुल साथ में उठ गया। अब साथ में भाई बलिनो, साथ में अभी भी साथ में। तीसरा गियर लगते ही आगे हो गई अपनी गाड़ी, लेकिन बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे रही है भाई। अपनी गाड़ी जीत गई है, बट वो ना आ रही थी, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा 140-145 तक का ट्रैक होना, तो लॉन्ग रन में वो लेके जाएगी क्योंकि हल्की भी है और बढ़िया भाग रही है यार जो भी है। तो अब कर रहे हैं एक और राउंड, वाइस पैक, अब कर रहे हैं भाई थर्ड राउंड अपना। इस बार AC में बढ़िया कंपटीशन दे दिया, मेरी ज्यादा दब रही है मेरे को लग रहा है। ये कितनी चली हुई है गाड़ी? ये खुल भी तो बहुत गई है, मेरी तो 4500 चली है। चलो एक रोलिंग करते हैं, ठीक है फिर एंड करते हैं। वही है रिजल्ट, तो ड्रैग ये लेके जा रही है पर लॉन्ग रन पक्का उसी का ही है। मैं इस तरफ से भी आगे एक बार करेंगे, इस तरफ मैं उस तरफ कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। पहला गियर 20, फर्स्ट गियर 20, ठीक है रोलिंग, फर्स्ट गियर 20 ना। हाँ, 3 हॉर्न, AC ऑन या AC ऑफ कर ले इस बार। नहीं,
कोई नहीं, तो वो करती है ना बीप, वही करूंगा और ये करूंगा। तेरे को पता नहीं है कि मैं हाइपर हो जाता हूँ। बराबर है रोलिंग में पूरी, हल्का है ये, कभी आगे रह रही है कभी ये, ड्रैग में ये जीत रही है, लॉन्ग रन इसका है, रोलिंग बराबर है। करें एक और राउंड, ये ना लॉन्ग रन में जैसे एक तो खुली हुई है ना, ये अगर उसमें करोगे ना हाईवे पे तो ये नहीं आने देगी इसको बिल्कुल भी, ये असल में लॉन्च होते वक्त बस निकल जा रही है, उसी का एडवांटेज ले रही है, और थोड़ी तो आराम से निकल जाती है, मैं तो बोल रहा हूँ वीडियो पे निकल जाएगी। ठीक है भाई। क्या वो रोलिंग रोलिंग करनी, कैसे करनी है, करनी है और राउंड चलो। ड्रैग ले गई इस बार, वो लग रहा उस तरफ खड़ी करने में फायदा हो रहा। रिपट यहाँ पे शायद ज्यादा रही है, ये इधर ज्यादा रिपट रही है, एंड करें। तो भाई देख ही लिया आपने, ड्रैग में वैसे जीत जाती है बट लास्ट राउंड में ये निकाल गई, ड्रैग में भी लॉन्ग रन भी इसी का ही है, रोलिंग में बराबर है, लॉन्ग रन इसका है, लॉन्ग रन में ये 195 पे लॉक्ड है, तीसरे गियर में भी आने लगी थी 195 तो छोड़ो, और ड्रैग में ये जीत जाती है बट बिल्कुल ही हल्के गैप से, और एक राउंड ये ले जाती है। तो यही थी भाई कुछ आज की वीडियो, बलेनो आरएस और i20 N-Line के कंपैरिजन में। थैंक यू सो मच।